Let's start today's lesson, growing plants. So, as you have already learnt about the various parts of a plant, you also know that the seed is a very important part of a plant. तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जो प्लांट होता है उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे. यू ऑल्सो नो दैट द सीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. आप जानते हो कि जो सीड है, बीज है, वो प्लांट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड. वी ऑल्सो ईट सम वेराइटीज ऑफ सीड. कि जो सीड है वो न्यू प्लांट का को ग्रो करने में हेल्प करता है. वी ऑल्सो ईट, हम भी कुछ सीड्स ईट करते हैं, मतलब हम भी कुछ सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं. कैन यू नेम सम सीड्स दैट वी ईट? जैसे राजमा, ग्रैम, पम्पकिन सीड, पल्सेस. दीज आर द इम्पोर्टेंट सीड्स विच वी ईट इन आर डेली रूटीन. कि जो ये सीड्स हैं, ये जो बीज हैं, ये हम अपने डेली रूटीन में खाते हैं. यू मस्ट बी वंडरिंग दैट इफ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, सो वाई डोंट वी फाइंड प्लांट्स ग्रोइंग इन द कंटेनर्स ऑफ राजमा, चना एंड पल्सेस. कि जैसा कि हम जानते हैं, हम ज़रूर वंडर होंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो सीड्स हैं वो प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो सीड्स से ग्रो करते हैं. लेकिन वही सीड्स जब हम अपने किचन में कंटेनर्स में रखते हैं, तो उन कंटेनर्स में राजमा के सीड एक प्लांट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते? वेल, इट इज़ बिकॉज दीज सीड्स आर डोरमेंट. क्योंकि ये सीड्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते. पता है क्यों एक्टिव नहीं होते? क्योंकि दे विल बिकम एक्टिव और ग्रो इनटू प्लांट्स ओनली व्हेन दे रिसीव इनफ वाटर एंड सनलाइट. वो तब एक्टिव और ग्रो होंगे जब उन्हें इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में वाटर एंड सनलाइट मिलेगा, पानी और धूप मिलेगी. अब हम पढ़ेंगे आगे. नाउ व्हाट इज इनसाइड अ सीड, कि एक सीड के अंदर क्या क्या होता है, या इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड भी कह सकते हैं. सो टू लर्न व्हाट इज इनसाइड अ सीड एंड हाउ इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ये हम आगे पढ़ेंगे. द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सीड कोट. इट प्रोटेक्ट्स द सीड. कि जो आउटर लेयर होती है सीड की, जो हम सीड्स खाते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल राजमा, तो जो राजमा का कलर हमें ऊपर दिखता है, वो कलर एक उसका लेयर होती है, उसके ऊपर एक छिलका होता है, जिसको हम सीड कोट भी बोलते हैं. स्प्लिट द सीड ओपन अलोंग द क्रैक. अब हम उस सीड को स्प्लिट करेंगे, मीन्स उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो इसमें? इनसाइड द सीड is a baby plant called an embryo. कि जो inside the जो seed है, इसके अंदर हमने क्या देखा? Embryo देखा. क्या देखा? Embryo. Embryo क्या होता है? एक new baby plant, जिसको हम embryo बोलते हैं. Take a magnifying glass and look closer. You will see that the embryo is made up of two parts, two leaves and a root. जब हम
उस एम्ब्रियो को बहुत नज़दीक से देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि एम्ब्रियो के भी टू पार्ट्स होते हैं, जिसमें उसकी टू लीव्स होती हैं, मीन्स पत्ते होते हैं, और अ रूट, एक जड़ भी होती है। आपको इस वीडियो में सामने एक पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे देखना। यहाँ पर आपको टेस्टा लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ सीड, मीन्स जो भी हमने सीड कोट पढ़ा था, जो आउटर लेयर होती है सीड की, इसको हम टेस्टा भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोटिलिडन, मीन्स इसका मतलब होता है कंटेन्स फूड स्टोर, इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। जब सीड एक प्लांट ग्रो करेगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलेंगे, कोटिलिडन से मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होता है इसका एपिकोटाइल, एपिकोटाइल होता है हमारा एम्ब्रियो शूट, मीन्स न्यू लीव्स जो उस सीड के अंदर हमें दिखती हैं। जब न्यू प्लांट आता है तो उसमें सबसे पहले न्यू लीव्स दिखती हैं, जिसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर, ये होता है रेडिकल। क्या होता है रेडिकल? जिसका ये क्या करता है, एम्ब्रियो रूट, इसको हम एम्ब्रियो रूट भी बोलते हैं। इसका काम होता है जो हमारी न्यू रूट बन जाती है बाद में, ठीक है। तो रूट्स का क्या काम होता है, ज़मीन से वाटर ऑब्जर्व करना, ये काम कौन करेगा, रेडिकल करेगा। ओके, अब ये रेडिकल कैसे करेगा इस काम को, क्योंकि ये तो एक सीड के अंदर है, वो करता है माइक्रोपाइल के थ्रू वर्क, जो हमें हमारा लास्ट पॉइंट है। माइक्रोपाइल ये होता है एक सीड के अंदर छोटा सा होल, ये होल उस रेडिकल होल के थ्रू वाटर ऑब्जर्व करता है, कहाँ से, सॉइल से। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, थैंक यू क्लास। इससे हम नेक्स्ट क्लास में हम जर्मिनेशन पढ़ेंगे, और जर्मिनेशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना। ओके, बाय, गुड डे।